मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे हम लोग, और उसका आज पार्ट फोर हम पढ़ेंगे, विच इज द लास्ट पार्ट। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा था। तो हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा, मैग्नेट क्या होता है, जो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है। लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, और इनसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, पूरा क्लोज्ड कर्व वो फॉर्म करती हैं। देन अगर एक वायर में करंट जा रहा है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर शेप में बनती है, जिन सर्कल का सेंटर वायर के ऊपर लाई करेगा। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन में थंब करेंगे तो फिंगर्स का कर्ल हमें क्या दे देगा, फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। इस तरह से हम उसको फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि अगर एक सर्कुलर कॉइल में या लूप में करंट जा रहा है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसके हर एक एलिमेंट को हम एक वायर मान के उसके कारण फील्ड देख सकते हैं। हम ऐसा देखेंगे कि सारे जो भी वायर्स हैं, सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सबके कारण अंदर फील्ड की सेम डायरेक्शन आएगी। तो उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड को घुमाएं तो थंब की डायरेक्शन हमें फील्ड की डायरेक्शन दे देगी। तो जैसे करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो इनसाइड द लूप फील्ड अंदर की तरफ आ जाएगी, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो आउटवर्ड आ जाएगी, और अंदर फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बाहर उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी, क्योंकि फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। तो अगर लूप के अंदर इनसाइड जा रही होंगी तो बाहर आउटसाइड से लौट कर भी आ रही होंगी। फिर एक सोलेनोइड क्या होता है, बहुत सारे टर्न्स को अगर हम साइड बाई साइड बनाते जाते हैं जो एक सिलेंड्रिकल शेप की कॉइल जैसी बन जाती है, उसको सोलेनोइड बोला जाता है। उसके अंदर ऑलमोस्ट फील्ड यूनिफॉर्म होती है, कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है, और वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जहां से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है, और जहां से एंटर करती हैं वो साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। और अगर ऐसे ही हम इस सोलेनोइड के अंदर एक किसी आयरन रॉड वगैरह को रख दें, जब करंट फ्लो कराएंगे तो आयरन मैग्नेटाइज हो जाएगा और मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही करंट ऑफ करेंगे वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं कि जब करंट फ्लो करेगा तो वो रॉड मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, और जैसे ही करंट ऑफ करेंगे तो वो मैग्नेटिज्म चला जाएगा। तो इसके भी काफी यूजेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बेल में इसको यूज किया जाता है। अगर हमें किसी मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करना है किसी, मतलब एक तरीके से मान लो बहुत सारा जंक है उसमें से मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करना है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं कि उसको ले गए इलेक्ट्रोमैग्नेट के जंक के पास, हमने करंट ऑन किया तो वो मैग्नेट बन गया, तो मैग्नेटिक मटेरियल उससे चिपक गए, और फिर दूसरी जगह ले जाकर ऑफ कर दिया करंट तो मैग्नेटिक मटेरियल वहां से अलग किए जा सकते हैं। फिर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल जो है ये बताता है कि किसी करंट कैरिंग वायर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा या मोशन किस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसमें तीन फिंगर्स का हम यूज करते हैं, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि FBI है ना, FBI जो होती है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वैसे तो ये अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन बताता है या मोशन की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये करंट की डायरेक्शन। तो अगर हम इस जो अपनी फोर फिंगर है इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करेंगे, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में करेंगे, तो थंब की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन बता देगा या फोर्स की डायरेक्शन बता देगा। फिर हमने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है, उसमें परमानेंट मैग्नेट होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल होती है। तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद क्या होती है, ये जो कॉइल है तो ये जो स्प्लिट्स हैं जब वो दूसरे ब्रश के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, और इस तरह से कॉइल में हमेशा फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगता है, जिसके कारण उसका एक ही डायरेक्शन में रोटेशन होता रहता है, और इस तरह से वो रोटेट करती रहती है। देन हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने लास्ट क्लास में फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था कि अगर मैग्नेट को एक कॉइल के नजदीक ले जाएं या दूर ले जाएं तो उससे क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। अगर मैग्नेट को कॉइल के नजदीक ले जाएंगे तो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, दूर ले जाएंगे तो करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करता है। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हमने देखा था। उसमें हमने ऐसा भी देखा था कि अगर दो कॉइल आमने सामने हैं, एक में कॉइल में करंट ग्रो करेगा, चेंज करेगा, तो दूसरे में क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
और फिर हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ा था, इसमें भी कॉन्सेप्ट वही होता है, अंगूठा फोर्स को बताता है, मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, ये जो पता जो अपनी फोर फिंगर है, और मिडिल फिंगर करंट को, तो FBI यहाँ भी लगा सकते हैं हम रूल, लेकिन यहाँ पर ये यूज किया जाता है करंट की डायरेक्शन बताने के लिए। लेफ्ट हैंड रूल फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है, ये करंट की डायरेक्शन, कि अगर एक कंडक्टर मोशन में है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, तो करंट की डायरेक्शन बताने के लिए इसका यूज किया जाता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का। तो ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, या मतलब पिछली जो भी हमारी क्लासेस हुई थी अभी तक इस चैप्टर की, उसमें हमने पढ़ी थी। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। तो देखो, जैसे हम जानते हैं कि करंट के लिए हमने लास्ट जो चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक करंट वाला था उसमें देखा कि बैटरी का यूज करते हैं, और बैटरी जो है वो क्या करती है, करंट फ्लो कराती है। लेकिन हर जगह बैटरी का भी यूज नहीं होता है। जैसे हम अपने घरों में ही बात करें तो घरों में जो पावर सप्लाई आती है, तो हम घरों में बैटरी का यूज नहीं करते हैं। वो पावर सप्लाई आती है हमारे पास, उस पावर का यूज करते हैं हम कई सारे डिवाइसेस चलाने के लिए। तो वो सब पावर कहाँ से आती है? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, और ये उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि जैसे हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मैग्नेट एक क्या होता है, कॉइल के पास जाता है, दूर जाता है, तो उसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। तो ऐसे दूर या पास जाने की बजाय अगर एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट भी करती है तो भी उसमें से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं। जैसे हमने क्या डिस्कस किया था, एक मैग्नेट जब पास जाता है कॉइल के तो फील्ड लाइंस बढ़ जाती हैं, दूर जाता है तो फील्ड लाइंस कम हो जाती हैं। तो एक्चुअली जो करंट इंड्यूस होता है उसका कारण ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना। तो अगर एक परमानेंट मैग्नेट की फील्ड में एक कॉइल रोटेट भी करती है तो उसमें से क्या होता है, फील्ड लाइंस चेंज होती है। जैसे मान लो फील्ड ऐसे है हॉरिजॉन्टल और कॉइल भी हॉरिजॉन्टल है, तो कॉइल में से कोई लाइन नहीं जा रही होगी, समझा ना, ये फील्ड ऐसे कॉइल भी ऐसे है तो दोनों में से कोई लाइन नहीं जा रही। लेकिन अगर कॉइल ऐसे हो गई तो कई सारी लाइंस उसमें से जाएगी कॉइल के अंदर से। तो क्या होता है, जैसे जैसे लाइंस बदलती हैं, जब वो कॉइल घूमती जाती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है, मतलब नंबर ऑफ लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड की पास करती है, और जब वो चेंज होती है तो करंट इंड्यूस होता है। और यही बेसिक तरीका होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बड़े पैमाने पर जनरेट की जाती है, क्योंकि हम सेल से पूरे घरों को शहरों को सप्लाई नहीं कर सकते। अब ये कैसे जनरेट की जाती है, तो उसके लिए डिवाइस बनाई जाती है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो उसको हम थोड़ा सा समझते हैं यहां पर। तो इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या काम करती है, कॉइल को रोटेट करने में हेल्प करती है। अब चाहे वो अपने हाथ से घुमाए या किसी और तरीके से घुमाए, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या करती है, रोटेशन करती है कॉइल का, और वो जो कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में तो उससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दैट मींस अ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। एक रेक्टेंगुलर कॉइल आपको दिख रही होगी ए बी सी डी फिगर में, जो परमानेंट मैग्नेट की फील्ड में रखी हुई होती है। द टू एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू रिंग्स R1 एंड R2। तो ये जो कॉइल के दो एंड हैं वो दो रिंग्स हैं R1 R2, उनसे कनेक्टेड होती हैं। ध्यान रखना है, जो हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक मोटर उसमें स्प्लिट रिंग्स थी, उसमें हम क्या चाहते थे कि डायरेक्शन क्या रहे, फोर्स की सेम रहे। तो ये यहां पर स्प्लिट रिंग नहीं, कंप्लीट रिंग रहती है, इस तरह से ये रहता है। देन द इनर साइड ऑफ दीज रिंग्स आर मेड इंसुलेटेड। तो जो रिंग्स की अंदर वाली साइड है इंसुलेटेड, मतलब रिंग से जो करंट है वो एक्सेल में नहीं जाएगा। अगर वो इंसुलेटेड नहीं होगी तो क्या होगा, करंट एक्सेल के थ्रू इस कॉइल से, एक कॉइल से दूसरी कॉइल में चला जाएगा। तो करंट का हम पाथ ये नहीं चाहते हैं, तो करंट यहां से गया, यहां से गया। अगर ये इंसुलेशन नहीं होता तो करंट इस एक्सेल से पास कर जाता, वो नहीं हो रहा। तो ये इंसुलेट कर रखा है हमने अंदर से, जिससे करंट यहां से इस एक्सेल में नहीं जा सकता। तो करंट यहां से अगर जा रहा है तो वो यहां से आएगा, इस सर्किट के थ्रू यहां से आएगा। तो यहां वाला करंट इस एक्सेल में जाने की बजाय इस तरह से यहां से लौट कर वापस जाएगा। करंट का पाथ इस तरह से होता है, तो रिंग्स को अंदर से इंसुलेटेड रखा जाता है। विद द टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस B1 एंड B2 आर केप्ट प्रेस्ड सेपरेटली ऑन द रिंग्स R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। तो ब्रश एक B1 है जो R1 पे प्रेस्ड रहता है, B2 ब्रश है जो R2 रिंग पे प्रेस्ड रहता है। द
टू रिंग्स आर वन एंड आर टू आर इंटरनली अटैच टू एन एक्सेल. द एक्सेल मे बी मैकेनिकली रोटेटेड फ्रॉम आउटसाइड टू रोटेट द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो जो रिंग है एक्सेल से अटैच रहती है, एक्सेल को जब हम रोटेट कराएंगे बाहर से तो रिंग्स भी उसके साथ साथ घूमेंगी. तो रिंग्स तो घूम रही है, ब्रशेस फिक्स रहते हैं. अब ये रिंग इस ब्रश के कॉन्टेक्ट में रहेगी, जिससे क्या हो सकता है करंट यहां से फ्लो करता है बेसिकली. तो यहाँ पे रिंग इसलिए, ब्रश इसलिए रखा है. देखो रिंग तो क्या है, रोटेट करेगी, तो कॉइल रोटेट करेगी तो रिंग रोटेट करेगी, लेकिन ब्रशेस फिक्स है और ब्रशेस हमेशा रिंग के कॉन्टेक्ट में रहेंगे. बी वन आर वन के कॉन्टेक्ट में रहेगा, बी टू आर टू के कॉन्टेक्ट में रहेगा. तो इस तरह से ये सेटिंग रहती है. फिर आउटर एंड्स ऑफ द टू ब्रशेस आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर टू शो द फ्लो ऑफ करंट इन द गिवन एक्सटर्नल सर्किट. ठीक है, तो ये जो आउटर एंड्स हैं ब्रशेस के वो क्या होते हैं, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड रहते हैं, जहां से हम क्या कर सकते हैं करंट को मेजर कर सकते हैं. करंट फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, अदरवाइज डिफ्लेक्शन नहीं देगा. तो ये बेसिक अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर का. परमानेंट मैग्नेट रहता है, उसके बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल रहती है. रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो किससे कनेक्टेड होती है, रिंग्स से कनेक्टेड होती है. अलग अलग एक आर वन आर टू फुल रिंग्स होती है. यहाँ पर रिंग्स अंदर से इंसुलेटेड होती है जो और एक्सेल से कनेक्टेड होती है. और यहाँ पे ब्रशेज रहती हैं दो, ये ब्रशेज फिक्स रहते हैं. रिंग तो एक्सेल के साथ साथ घूमेगी, कॉइल के साथ साथ घूमेगी, लेकिन ब्रशेज फिक्स रहते हैं और ब्रशेज के थ्रू करंट फ्लो करता है बेसिकली थ्रू गैल्वेनोमीटर. ठीक है, समझ आया यहाँ तक? यस सर. चलो आगे देखते हैं फिर. नाउ व्हेन द कॉइल एबीसीडी इज रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द इंड्यूस्ड करंट्स आर सेट अप इन दीज आर्म्स अलोंग द डायरेक्शंस एबी एंड सीडी. मान लो इसको हमने क्लॉकवाइज घुमाया, तो अब देखो समझो क्लॉकवाइज जब हमने घुमाया तो अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं मतलब एबी वाली साइड कहां जाएगी, ऊपर की तरफ. तो एबी की डायरेक्शन हुई, मैं इसको एबी को ऐसा मान लू. ठीक है, एबी इनसाइड द प्लेन है एक तरीके से. ठीक है, तो एबी ऐसी है और अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो एबी वाली साइड की मोशन वेलोसिटी ऊपर की तरफ आएगी और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है, ऐसे आएगी मैग्नेटिक फील्ड. दिस बी इज मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम करंट की डायरेक्शन देखें. तो हमने क्या देखा था, एफ बी आई फिंगर फोर्स या मोशन को बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को और ये करंट को. तो अब अपने आप चेक करो कि हमने मोशन की डायरेक्शन में अपना थंब किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी ये वाले फिंगर की, और फिंगर तो ये जो मिडिल फिंगर है किस डायरेक्शन में आएगी. एक बार करके देखो, राइट हैंड रूल है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन यू हैव टू प्लेस योर थंब, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यू हैव टू प्लेस योर फोर फिंगर, एंड देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ योर मिडिल फिंगर. तीनों को ऐसे परपेंडिकुलर रखना है, तीनों परपेंडिकुलर रख के हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करना है. देखो किस डायरेक्शन में आएगा करंट, बताओ मेरे को. ठीक है, ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर रॉड, पॉइंट नहीं है, एक रॉड है, हम सामने से देख रहे हैं, उसका क्या दे रहा है, क्रॉस सेक्शन दिख रहा है. मतलब एक सामने से एक रॉड को हम एक एंड से देखेंगे तो मैं सर्कल जैसा देखेगा. तो ए बी इज अ रॉड इनसाइड द प्लेन व्हिच इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट. सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट यूजिंग द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. इनटू द पेपर. वेरी गुड. ठीक है, तो राइट हैंड रूल लगाएंगे, करंट अंदर की तरफ आएगा, मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है, करंट वुड बी इनसाइड, अंदर की तरफ करंट आएगा. तो जो बेसिकली यहां पे देख रखा है तो मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. जस्ट ऐसे ही जब सीडी वाला वायर, तो ए बी ऊपर जा रहा है, सीडी नीचे जाएगा, तो सीडी नीचे जाएगा, उसका मोशन नीचे हो रहा है, तो उसके मोशन उसकी डायरेक्शन में थंब करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फोर फिंगर करेंगे, तो फिर जो मिडिल फिंगर है वो नीचे की तरफ आएगी, यानी कि मतलब सॉरी बाहर की तरफ आएगी इस तरीके से. ठीक है, तो इस तरह से ये करंट की डायरेक्शन हमारे पास आ रही है किससे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से. तो अगर ये रॉ जो लूप है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो ए बी में करंट ए से बी जाएगा, सी डी में करंट सी से डी जाएगा. तो ए से बी करंट गया, सी से डी. तो इधर देखोगे आउटर सर्किट में गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा यहां, मतलब इसको मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, पी क्यू मान लेता हूँ.
तो गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा Q से P की तरफ, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, अब आगे देखते हैं। Does an induced current flows in the direction A, B, C, D? If there are larger number of turns in the coil, the current generated in each turn adds up to give a large current to the coil. तो एक कॉइल में करंट चला गया ए बी सी डी, अगर एन टर्न्स होंगे, बहुत सारे टर्न्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो हर एक टर्न में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो हर जो टर्न है उस पे क्या लगेगा, मतलब सॉरी, हाँ, हर टर्न में करंट इंड्यूस होगा, तो ऐसे काफी ज्यादा अमाउंट में करंट आएगा। जैसे एक टर्न से मान लो कुछ करंट आया आई, तो अगर एन टर्न से तो कितना करंट जनरेट होगा, एन आई, तो हमें ज्यादा करंट जनरेट करना है, ठीक है, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टर्न्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। दिस मीन्स दैट द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्लोस फ्रॉम बी टू टू बी वन। तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैसे जा रहा है, बी टू, ब्रश टू से ब्रश वन की तरफ करंट जा रहा है। नाउ आफ्टर हाफ रोटेशन आर्म सी डी स्टार्ट्स मूविंग अप एंड ए बी डाउन। तो आधे रोटेशन के बाद, तो आधे रोटेशन के बाद क्या होगा, बना देता हूं, ऐसा होगा ये, आधा रोटेशन हो गया तो ये डी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, ये बी इधर चला जाएगा, ये ए इधर चला जाएगा, और घूम अभी भी कैसे रहे हैं, क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। तो अब सी डी ऊपर की तरफ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ही है, तो इसमें करंट कहां जाने लगेगा, अंदर, और ए बी में ऐसे बी से ए की तरफ आने लगेगा। ठीक है, तो करंट ऐसे जाने लगे। अब देखो बी ए वाला जो है ये किससे कनेक्टेड है, ब्रश बी वन से, ठीक है, मतलब इस रिंग से, तो इसका करंट बी वन के थ्रू जाएगा। अब बी ए से जो करंट है वो ऐसे आ रहा है, मतलब इस रिंग में करंट आ रहा है, यानी कि बी वन से करंट आ रहा है, और डी से सी की तरफ जा रहा है, यानी बी टू से लौटेगा, यानी कि जो एक्सटर्नल सर्किट है इसमें करंट बी वन से बी टू जाने लगे। ठीक है, तो आफ्टर हाफ अ रोटेशन आर्म सी डी स्टार्ट मूविंग अप एंड ए बी मूविंग डाउन। एज अ रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन बोथ द आर्म्स चेंज। तो जैसे सी डी में सी से डी जा रहा था, अब डी से जाने लगेगा, ए बी में ए से भी जा रहा था, बी से जाने लगेगा, गिविंग राइज टू द नेट इंड्यूस्ड करंट इन द डायरेक्शन डी सी बी ए। अब करंट कैसे जा रहा है, डी सी बी ए में जा रहा है। करंट इन दी एक्सटर्नल सर्किट नाउ फ्लोस फ्रॉम बी वन टू बी टू। एक्सटर्नल सर्किट में अब करंट बी वन से बी टू जाने लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये ए बी की जगह सी डी आ जाएगा, इधर बी सी आ जाएगा, तो करंट अब इधर से आया, लेकिन अब ए बी किससे कनेक्टेड है, बी वन, तो यहां से जो करंट आ रहा है वो बी वन में आएगा, और यहां से जो जा रहा है वो बी टू से, तो बी वन से बी टू करंट फ्लो करने लगेगा। तो जब ए बी सी डी इनिशियल जो ओरिएंटेशन थी उसमें करंट जा रहा था ब्रश टू से ब्रश वन की तरफ, या नीचे हम बात करें तो Q से P की तरफ, हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन ब्रश वन से बी वन से बी टू हो जाएगी, यानी P से Q हो जाएगी। ये क्लियर हुआ? यस सर। गुड। Thus आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द पोलैरिटी ऑफ द करंट इन रिस्पेक्टिव आर्म चेंज। फिर अगला रोटेशन आएगा, आधा और हो जाएगा, फिर वो ए बी सी डी वैसे ही बन जाएगा, फिर बी टू से बी वन जाने लगेगा। तो आधे रोटेशन में करंट B2 से B1 जाएगा, आधे रोटेशन में B1 से B2, फिर अगले आधे में B2 से B1, तो इस तरह से पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। पोलैरिटी मतलब करंट जब हम मानते हैं जनरली गैल्वेनोमीटर में या रेजिस्टर में हाई से लो पोलैरिटी की तरफ जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। तो आधे रेवोल्यूशन में B2 से B1 जा रहा है, फिर आधे में B1 से B2 जाएगा, तो इस तरह से उसकी पोलैरिटी रिवर्स होती रहेगी, प्लस माइनस की चेंजेस होते रहे, मतलब पहले B2 प्लस था, B1 नेगेटिव था, आधे रोटेशन के बाद B1 पॉजिटिव हो गया, B2 नेगेटिव हो गया, दैट इज द मीनिंग ऑफ पोलैरिटी विल रिवर्स। सो दस आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द पोलैरिटी ऑफ द करंट इन द रिस्पेक्टिव आर्म चेंजेस। सच अ करंट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन ऑल्टरनेटिंग करंट, एब्रीविएटेड एज एसी, एंड दिस डिवाइस इज कॉल्ड एन एसी जनरेटर। ठीक है, तो जो करंट ऑल्टरनेटली पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, उसको बोला जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी। तो हमारे घरों में जो करंट आता है वो कौन सा आता है,
हमारे घरों में कौन सा करंट आता है, एसी आता है या डीसी आता है? जो हम बैटरी वाला पढ़ते हैं वो डीसी होता है, जो बैटरी से करंट फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, दैट इज डीसी। यहाँ पे करंट क्या होता है, अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहता है। तो बताओ घरों में कौन सा करंट आता है? एसी। एसी करंट आता है। जो डिवाइसेस बैटरी से चलते हैं वहां डीसी करंट होता है, ठीक है। बाकी जो अपने घरों में करंट आता है, सप्लाई आती है, दैट इज एन एसी सप्लाई, ठीक है। और इस तरह से एसी को जनरेट किया जाता है पावर प्लांट्स या पावर स्टेशंस में। तो उसमें क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े ऐसे कॉइल्स बनाए जाते हैं, और जैसे तुम देखते हो डैम बनाए जाते हैं, है ना, पावर स्टेशंस वगैरह में। तो डैम क्या, पानी को रोकते हैं, फिर पानी को ऊपर से गिराते हैं। वो पानी क्या करता है, बड़ी बड़ी कॉइल्स पे गिरता है, वो कॉइल को रोटेट कराता है। तो पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कॉइल को रोटेट कराने में हेल्प करती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जनरेट करती है। और उसके रोटेट करने से मैग्नेटिक मैग्नेट्स लगे होते हैं वहां पर, उस मैग्नेट में वो क्या करती है, रोटेट करती है। और मैग्नेट में रोटेट करने से क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस तरह से जनरेट होती है और फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है, जगह जगह भेजा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यूजिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर, या इसको एसी जनरेटर भी बोलते हैं। नाउ डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक जनरेटर, अगर हमें डायरेक्ट करंट चाहिए इलेक्ट्रिक जनरेटर से तो क्या किया जा सकता है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो टू गेट अ डायरेक्ट करंट डीसी विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विद टाइम, तो डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट जिसकी डायरेक्शन फिक्स रहती है। जैसे हमने देखा एसी की डायरेक्शन क्या हो रही है, पीरियोडिकली चेंज होती है, पहले ए मतलब लेफ्ट से राइट गया, फिर राइट से लेफ्ट, ऐसे हर फिक्स्ड इंटरवल को डायरेक्शन बदलता रहता है। डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन क्या रहती है, फिक्स रहती है, डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं करता है। तो उसमें स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पर अपने पूरी रिंग लगी थी, वहां पर स्प्लिट रिंग का कम्यूटेटर यूज किया जाता है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, उसकी जो रिंग की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। अपने इलेक्ट्रिक मोटर में किया था ना, वैसे टाइप का कॉन्सेप्ट रहता है। तो उस कारण से हम करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवा सकते हैं। तो स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज्ड विद दिस अरेंजमेंट, वन ब्रश इज एट ऑल टाइम्स इन कॉन्टेक्ट विद द आर्म मूविंग अप इन द फील्ड व्हाइल द अदर इज इन कॉन्टेक्ट विद द आर्म मूविंग डाउन। तो जैसे हमने मोटर में देखा था कि वैसे ही, जैसे मोटर में क्या होता है, फोर्स की एक ही डायरेक्शन आ रही थी, तो हमने स्प्लिट रिंग का यूज करके उसकी डायरेक्शन करंट की ऐसे रखी कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में फोर्स मिलता था उस साइड को, इसको इधर वाली को ऊपर मिल रहा है, इधर को नीचे, तो एक ही डायरेक्शन घूमती रहती थी। ऐसे यहाँ पे भी स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ब्रश से करंट हमेशा दूसरे की तरफ ही जाए, तो डायरेक्शन उसकी हमेशा फिक्स रहेगी, तो वो डायरेक्ट करंट मिल सकता है, ठीक है। बस बेसिक आइडिया होना चाहिए इसका, बहुत ज्यादा मतलब पूरा उसका वो डायग्राम वगैरह ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इंफॉर्मेशन के लिए कि एसी जनरेटर हमें समझ आया करंट कैसे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है। अगर डीसी चाहिए तो हम स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर लगा देंगे, जिससे कि क्या होगा, हर हाफ रोटेशन के बाद वो स्प्लिट रिंग के कारण क्या हो रहा है, एक तो जो डायरेक्शन है उसको मेंटेन कर सकते हैं, हमेशा डायरेक्शन जैसे बी टू से बी वन की तरफ ही जाए। सो वी हैव सीन द वर्किंग ऑफ अ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इन द केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, दस अ यूनिडायरेक्शनल करंट इज प्रोड्यूस्ड, द जनरेटर इज कॉल्ड डीसी जनरेटर। तो हम डीसी जनरेटर भी बना सकते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट the direct current always flows in one direction, whereas the alternating current reverses its direction periodically. So direct current to hamesha ek hi direction mein flow karta hai, jabki alternating current apni direction ko periodically change karta hai. So most power stations constructed these days produce AC. So mostly jo bhi power stations hai wo kya karte hain, AC produce karte hain. Uska ek aur bhi fayda bhi apan aage dekhenge. In India, AC changes direction after every 1/100 second. That is फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज। तो अपने इंडिया में जो पावर सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अब देखो डायरेक्शन क्या कह रहे हैं कि 1/100 टाइम चेंज करता है। एक्चुअली क्या होता है, ऐसे आता है एसी इस तरह से, इट इज अ वेव लाइक दिस। तो क्या हो रहा है, इसको एक साइकिल बोलते हैं। एक साइकिल मतलब जिसमें एक पॉजिटिव पार्ट भी होता है, एक नेगेटिव पार्ट भी होता है। ये एक साइकिल हो गया, ऐसे ये दो साइकिल हो गए। अब एक साइकिल में क्या हो रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, पॉजिटिव था नेगेटिव हुआ। तो क्या करें, एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकंड। तो 1/100 सेकंड में वो डायरेक्शन चेंज करता है, जैसे प्लस से माइनस हुआ, माइनस फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, ये कितना होता है 1/100।
और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो ऐसी कितनी साइकिल्स को कंप्लीट कर लेता है प्लस माइनस, ऐसी पूरी एक साइकिल की बात करें, पूरी वेव की बात करें ऊपर नीचे वाली, तो ऐसी 50 साइकिल्स एक सेकंड में कंप्लीट कर देता है। तो इंडिया में जो पावर सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इट विल कंप्लीट 50 साइकिल्स इन 1 सेकंड। एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी इज दैट इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। तो एसी का एक फायदा यह होता है कि हम पावर को लंबी दूरी तक ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। जैसे तुमने अभी हमने पिछले चैप्टर में देखा था पावर क्या होती है, आई स्क्वायर आर। देखो जैसे पावर स्टेशन से पावर आती है गांव तक, शहरों तक, कहीं तक, जो मतलब पावर स्टेशन है वहां से अपने घरों तक पावर आ रही है, तो जो वायर से आ रही है उस वायर का रेजिस्टर तो फिक्स है ना, रेजिस्टेंस फिक्स है। अब पावर का एक और फॉर्मूला होता है, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो क्या होता है, अगर हमें जो रेजिस्टर में हीट के कारण पावर लॉस होती है उसको मिनिमाइज करना, तो किसको मिनिमाइज करना पड़ता होता है, अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो वायर्स जो हैं जो पावर स्टेशन से अपने टाउन तक वायर्स आ रही हैं उनका रेजिस्टेंस तो फिक्स है। अब उस रेजिस्टर में पावर लॉस ना हो जाएगा तो किस चीज को हमें कम करना पड़ेगा, करंट, करंट को कम करना पड़ेगा जिससे पावर लॉस मिनिमाइज हो जाए। अब पावर होती है वी इंटू आई वी, तो अगर हमें पावर, जैसे पावर भी हमारी मान लो रिक्वायरमेंट है 100 किलोवाट की हमारे घर में या हमारी टाउन में या हमारी ठीक है ना जो भी कॉलोनी है उसमें 100 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, तो पावर तो उतनी भेजनी पड़ेगी। अब पावर V इंटू आई होता है, तो क्या होता है अगर हमको I को कम करना है तो हम V को बढ़ा सकते हैं। तो हम पावर स्टेशन से क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पे पावर को भेजते हैं, तो वोल्टेज हाई करते हैं तो करंट कम हो जाता है। मान लो हमें 1000 वॉट पावर भेजनी है, हमने V को 1000 कर दिया तो करंट कितना रखना पड़ेगा, 1। अगर V को 100 करेंगे तो करंट 100 हो जाएगा, तो पावर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हाई वोल्टेज पे पावर भेजते हैं। जैसे तुम कई बार खंभों पे देखते हो डेंजर साइन लिखा होता है, हाई वोल्टेज लिखा होता है, तो पावर स्टेशन से हाई वोल्टेज पे पावर भेजी जाती है जिससे करंट कम हो जाए और ये पावर लॉस मिनिमाइज हो जाए। और फिर जब घरों में सप्लाई करते हैं तो फिर क्या करते हैं, वोल्टेज को कम कर देते हैं, और वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स का यूज किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर सुना होगा तुम लोगों ने, देखा भी होगा घर के बाहर या कहीं पे लगे होते हैं खंभों में, देखें। यस सर। तो ट्रांसफॉर्मर का काम होता है कि वो क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। तो पावर स्टेशन में वोल्टेज को बढ़ाया जाता है जिससे कि वोल्टेज बढ़ जाती है, करंट कम हो जाता है, जिससे हम एनर्जी लॉस को मिनिमाइज कर सकें। और फिर जब घरों में सप्लाई करना है तो वोल्टेज को कम करते हैं। हाँ, कम क्यों करते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज ज्यादा डेंजरस होता है, तो उतने हाई वोल्टेज के अगर हम डायरेक्ट सप्लाई करने लगेंगे तो वो डेंजरस होता है, तो इसलिए वोल्टेज को कम किया जाता है। अब एसी का क्या फायदा है इसमें, कि एसी को ही ट्रांसफॉर्मर क्या कर सकता है, एसी की ही वोल्टेज बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, डीसी की नहीं कर सकता। तो ये एक एसी का एडवांटेज है, ये चीज यहाँ पर एक्चुअली बताई हुई है, वो कि आगे बड़ी क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन जाने का एसी का आइडिया आपको होना चाहिए। देन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी इज दैट इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। जो तो ट्रांसफॉर्मर है वो एसी के लिए ही वर्क करता है, वही वोल्टेज को बढ़ाया, मतलब एसी की वोल्टेज को बढ़ाया कम कर सकता है, इसलिए एसी का एक ये मेन एडवांटेज है कि लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन में हम पावर लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो डायरेक्ट करंट वर्सेस अल्टरनेटिंग करंट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डायरेक्ट करंट या डीसी क्या होता है, अ करंट दैट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड अ डायरेक्ट करंट। जो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। द करंट वी गेट फ्रॉम अ बैटरी इज अ डायरेक्ट करंट, बैटरी से हमें डायरेक्ट करंट मिलता है। तो डायरेक्ट करंट इस तरह का होता है जनरली, कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, इस तरह से दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। देन ऑल्टरनेटिंग करंट, अ करंट दैट रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, वो करंट जो अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता रहता है।
मोस्ट पावर स्टेशन इन अवर कंट्री प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट, मैक्सिमम जितने भी पावर स्टेशन हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं. एसी चेंजेस डायरेक्शन एवरी 1/100 सेकंड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, जो अभी हमने डिस्कस किया था. एंड वन एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी इज दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया. और एसी इस तरह से बनता है, तो उसमें क्या होता है, चेंज होता है एक्चुअली जनरली, ये जैसे हम साइन वगैरह पढ़ते हैं साइन थीटा कॉस, तो साइन का फंक्शन होता है, तो इस तरह से ये चेंज होता है, ठीक है ना, जीरो से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से जीरो, फिर नेगेटिव, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल, और ये रिपीट होती रहती है. तो थोड़ा सा हमें आइडिया डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट का होना चाहिए. नाउ द क्वेश्चन इज स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर. तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या प्रिंसिपल है, अगर तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या लिखेंगे. तो इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो जो प्रिंसिपल है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय रोटेटिंग अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड. एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है इसमें, ठीक है. तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और क्या होता है, कॉइल को रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में एंड वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ इट. देन नेम सम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट, बताओ डायरेक्ट करंट का कोई सोर्स बताओ, क्या होता है डायरेक्ट करंट का सोर्स. अभी हमने देखा था ये पिछले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी वाले में, क्या होता है सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट. हमारे मोबाइल को करंट किससे मिलता है, बैटरी या सेल, है ना, दिस इज द मेन कॉमन सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट. तो सम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट आर सेल, बैटरी बोल सकते हो, या डीसी जनरेटर हो जाएगा, ठीक है. बाकी कॉमनली जो हम यूज करते हैं, दीज आर सेल, बैटरीज, ये सब क्या है डायरेक्ट करंट के सोर्सेज. विच सोर्स प्रोड्यूसेस ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट कौन प्रोड्यूस करता है, अभी जो हमने पढ़ा बताओ. कौन प्रोड्यूस करता है एसी करंट, तो पावर प्लांट, पावर प्लांट बोल सकते हैं, या एसी जनरेटर, सिंपल टर्म्स में पावर प्लांट भी है और एसी जनरेटर, ठीक है. तो एसी जनरेटर्स, पावर प्लांट्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट. बेसिकली एसी तो जनरली क्या होता है, एसी जनरेटर्स जैसे अपने घरों में भी या जो ऑफिस वगैरह या कई बार कॉलोनीज में लिफ्ट वगैरह के लिए जनरेटर्स लगाए जाते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, एसी जनरेटर्स होते हैं. जो पावर प्लांट्स में है वहां पे जनरली डैम वगैरह बनाकर पानी को रोक कर गिरा कर फिर क्या किया जाता है, कॉइल को रोटेट किया जाता है और लार्ज पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. और जो कॉलोनीज में ऑफिस में जनरेटर लगाए जाते हैं उसमें डीजल या फ्यूल यूज किया जाता है, वो फ्यूल क्या करता है, ऑयल को रोटेट करने में यूज किया जाता है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है हमको. अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन ईच. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉपर वायर को रोटेट करें तो डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन कितनी बार चेंज करेगी, वंस इन ईच, टू रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन, या 1/4 रेवोल्यूशन, करंट की डायरेक्शन चेंज कितने रेवोल्यूशन के बाद होगी. जब हमने देखा था जनरेटर में कितने रेवोल्यूशन के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाती है करंट की, हाफ रेवोल्यूशन करेक्ट. So, C, that is half revolution. So, when a rectangular coil of copper is rotated in a magnetic field, the direction of induced current in the coil changes once in each half revolution. Hmm.
नाउ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं जनरली किस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, किस तरह से बने होते हैं, उसमें कैसे सप्लाई की जाती है करंट की। तो एक टेंटेटिव उसका डायग्राम इस तरह से होता है। तो एक ग्रीन वायर होती है जो जनरली अर्थ वायर होती है, एक रेड वायर होती है जो लाइव वायर होती है, और एक ब्लैक वायर होती है दैट इज न्यूट्रल वायर। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जैसे फ्यूज लगा है वहां से आएगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है उस पर आएगी, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है जिसमें मेन स्विचेस एंड फ्यूजेस होते हैं हर अलग अलग सर्किट के लिए, और फिर घरों में अलग अलग डिवाइसेस के लिए बेसिक एक कनेक्शन हम ऐसा देख सकते हैं, जिसको थोड़ा समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर टू होम्स इज सप्लाइड थ्रू द मेन्स, इट हैज टू वायर्स, वन इज लाइव वायर दैट इज पॉजिटिव वायर विद रेड इंसुलेशन, एंड द अदर इज न्यूट्रल वायर नेगेटिव वायर विद ब्लैक इंसुलेशन। तो मेंस जो सप्लाई है, जो हमारे घरों में सप्लाई होती है उसको मेंस बोलते हैं जनरली। तो वहां से सप्लाई आ रही है, दो वायर्स आती है मेनली, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। लाइव जनरली रेड कलर में कोटेड होती है, ठीक है, बाहर से उसकी कोटिंग रेड होती है, और न्यूट्रल वाली की ब्लैक कोटेड होती है। लाइव को हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, इस ब्लैक को नेगेटिव भी बोल सकते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू वायर्स इज 220 वोल्ट। हमारे घरों में इंडिया में जो सप्लाई आती है उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट का। So potential difference is 220 volt. The earth wire with green insulation is connected to a metal plate kept in the ground. जो earth wire है जिसमें green insulation होता है, ये actually क्या होता है, घरों में की जाती है, earthing बोलते हैं इसको। तो generally घरों में या जब कोई society colony बनती है उस colony में करी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत एक गड्ढा खोद के उसमें एक metal plate रखी जाती है और उधर से एक connection लेके आया उस metal plate के आसपास सॉल्ट का, ठीक है ना, इस तरह का कुछ कार्बन वगैरह रखा जाता है जिससे थोड़ा सा वो इलेक्ट्रोलाइट टाइप का काम करे वहां पर। तो एक गड्ढा खोद के बेसिकली अर्थ को भी एक कंडक्टर की तरह माना जाता है, अर्थ भी कंडक्ट करती है। तो एक अर्थिंग करने के लिए गड्ढा खोद के मेटल प्लेट रखी जाती है और वहां से एक कनेक्शन लेके आया जाता है, दैट इज द अर्थ वायर। सो द अर्थ वायर, ये मतलब पावर स्टेशन से नहीं आती है अर्थ वायर, ये अर्थ वायर या तो हम अपना मकान बनवा रहे हैं तो हमें खुद से करवानी पड़ेगी, या कोई बिल्डर वगैरह ने करवाया है तो वो जनरली करवा के प्रोवाइड करते हैं, इस तरह के अर्थिंग वायर होती है। तो द अर्थ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट कैप्ट इन द ग्राउंड। ग्राउंड में एक मेटल प्लेट को गाड़ के उससे कनेक्ट किया जाता है इसको। द सेपरेट सर्किट्स आर, टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज। जनरली जो डिवाइसेज हम यूज करते हैं उसमें क्या होते हैं कि अलग अलग पावर की या अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कुछ हैवी यूजेज वाले डिवाइस हैं, जैसे एसी हो गया हमारा, रेफ्रिजरेटर, जैसे तुमने देखा भी होगा कुछ पावर प्लग्स होते हैं थोड़े बड़े साइज के, कुछ छोटे प्लग्स होते हैं, देखा है। कुछ देखे बड़े साइज के होते हैं ना पावर प्लग्स होते हैं, जहां पे ओवन, माइक्रोवेव या एसी, फ्रिज इनके लिए बने होते हैं, है ना। उसमें कई बार वो छोटे छोटे मतलब डिवाइसेस वो एंटर भी नहीं कर पाते उनके सॉकेट्स। तो जनरली दो तरह की सर्किट्स होते हैं एक तरीके से, एक जो थोड़े हैवी अप्लायंसेस को चलाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है, जिनको पावर प्लग्स भी हम बोल देते हैं, और दूसरे कॉमन टाइप के। तो जब बड़े वाले होते हैं जनरली वो 15 एम्पियर के होते हैं। तो वन इज ऑफ 15 एम्पियर फॉर अप्लायंसेस विद हाई पावर रेटिंग लाइक गीजर्स, एयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा। The other is of 5 ampere for fans, bulbs, etc. जो normal devices हैं वो कम power consume करती हैं, तो उनके लिए normal हम switches वगैरह लगा सकते हैं, normal sockets लगा सकते हैं, लेकिन जो कुछ devices high power consumption वाली होती हैं उनके लिए generally 15 ampere वाले जो plugs हैं या switches हैं वो लगाए जाते हैं। The different appliances are connected in parallel so that every appliance gets equal voltage. अब देखो सारी devices को parallel में connect किया जाता है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। जैसे अगर 220 वोल्ट आई हमने सीरीज में लगा दिया तो एक के अक्रॉस हो सकता है 100 हो गई, एक के अंदर अक्रॉस 120 हो गई, फिर एक और लगा दी तो और कम हो गई। अब हर डिवाइस एक फिक्स वोल्टेज रेटिंग के लिए बनाई जाती है, तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो रेटिंग भेजी जाती है, जैसे 220 वोल्ट की जो है हमें पावर सप्लाई मिल रही है, तो जो हम डिवाइसेस बनाते हैं वो भी उसी रेटिंग की बनाते हैं कि 220 वोल्ट पे वो ऑपरेट कर सके। अब उसको 220 वोल्ट कम मिलेगा जब पैरेलल में लगाएंगे, क्योंकि पैरेलल में सभी डिवाइसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। हमारे घरों में जो भी हम कनेक्शंस करते हैं वो पैरेलल में करते हैं, जिससे हर डिवाइस को 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिल सके, और सारी डिवाइसेस बनाई भी इसी तरह से जाती हैं। क्योंकि अगर हम
सीरीज में लगा देंगे तो हमें नहीं पता उसको कितना वोल्टेज मिलेगा, और प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिला तो अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि द डिफरेंट अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट एवरी अप्लायंस गेट्स इक्वल वोल्टेज एंड इवन इफ वन इज स्विच्ड। और पैरेलल का एक ये भी फायदा है कि ये खराब भी हो गई, तो जैसे मान लो ये खराब भी हो गई, यहाँ पे कुछ वायर कनेक्शन कट गया, तो भी इसको प्रॉपर वोल्टेज मिलती रहेगी। सीरीज में क्या होता है, एक से एक एंड जुड़े रहते हैं, तो सीरीज जब उसको समझो जैसे भाई सीरीज में क्या है, ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है, मान लो ये रेजिस्टर खराब हो गया, ये बीच में कट गया, तो करंट फ्लो होना ही बंद हो जाएगा, तो ये भी रेजिस्टर काम नहीं करेगा। जबकि पैरेलल में क्या हो रहा है, अगर ये रेजिस्टर कट भी गया, बीच से टूट भी गया, तो यहां से करंट जाना बंद हो जाएगा, लेकिन यहां से भी करंट जा सकता है, तो डिवाइसेस क्या करेंगे, अपना काम करती रहेंगे। तो एक तो हर डिवाइस को एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से बनाया जाता है, तो हर जैसे हमारे देश में 220 वोल्ट है तो डिवाइसेस उस हिसाब से बनाई जाती हैं, यूएस में 110 वोल्ट रहता है पोटेंशियल डिफरेंस जो सप्लाई आती है, तो डिवाइसेस उस हिसाब से बनाई जाती हैं। फिर अगर हमें एक देश की डिवाइस दूसरे देश में यूज करते हैं, एडेप्टर्स यूज करते हैं जो उसको कम या ज्यादा कर देते हैं वोल्टेज को। ठीक है, तो द डिफरेंट अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट एवरी अप्लायंस गेट्स इक्वल वोल्टेज एंड इवन इफ वन इज स्विच्ड ऑफ द अदर्स आर नॉट अफेक्टेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से हमें पता होना चाहिए। देन द अप्लायंसेज हैव मेटा, द अप्लायंसेज हैविंग मेटालिक बॉडी लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा, दियर मेटालिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर सो दैट इफ देयर इज अ लीकेज ऑफ करंट इट पासिस टू द अर्थ एंड प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक। अब ये अर्थ वायर का क्या काम है, कई बार हमें ये लगता है कि अर्थ वायर जो है इसका क्या यूज है, तो अर्थ वायर का क्या यूज है, देखो क्या होता है, करंट लाइव वायर से आता है और इससे चला जाता है अपने पास, ये जो न्यूट्रल वायर होती है। अब जो कई बॉडीज हैं, कई डिवाइसेज जिनकी मेटालिक बॉडी होती है, जैसे कूलर हो गया हमारा, कंप्यूटर का सीपीयू वगैरह हो गया, अब बाय चांस कोई लाइव वायर उस मेटालिक बॉडी से टच हो गई, ठीक है, ठीक है, तो कई डिवाइसेज जो होती है जिनमें मेटालिक बॉडी होती है, तो क्या होता है कि बाय चांस मान लो कहीं पे कोई कनेक्शन लूज हो गया और कोई लाइव वायर मेटालिक बॉडी से टच हो गई, तो अगर हम उसको टच करेंगे तो क्या होगा, वो करंट हमारी बॉडी से फ्लो कर जाएगा और हमें शॉक लगेगा। अब अर्थिंग का काम क्या होता है कि अर्थिंग उसको एक अल्टरनेटिंग पार्ट देती है, तो अर्थिंग वायर क्या करते हैं, वो मेटालिक जो बॉडी है उससे कनेक्टेड रहता है अर्थिंग वायर का एक है, तो क्या होगा बाय चांस अगर लाइव वायर उसे टच भी हो गया मेटल बॉडी से, तो अर्थिंग के थ्रू वो करंट ग्राउंड में चला जाएगा, हम टच भी करेंगे। एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि करंट जनरली लो रेजिस्टेंस वाले पाथ को प्रेफर करता है, तो हमारी बॉडी का हाई रेजिस्टेंस है, अर्थिंग वाले पार्ट में वायर लगा हुआ है कंडक्टिंग, उसका लो रेजिस्टेंस होता है, तो करंट उस वायर से फ्लो कर जाता है और हमें शॉक नहीं लगता है। तो दिस इज द मेन वर्क ऑफ अर्थिंग जो हमें शॉक से बचाती है उस केस में जहां पर मेटालिक बॉडीज वगैरह होती हैं किसी डिवाइस की, और बाय चांस गलती से अगर कोई लाइव वायर उससे कनेक्ट हो गया। कई बार देखोगे जैसे कई बार घरों में प्रॉपर अर्थिंग नहीं होती है, इसलिए कूलर वगैरह कंप्यूटर वगैरह शॉक मारते हैं, तो वहां पे अर्थिंग नहीं होती है, तो और या कई बार हम देखते हैं कि हम जो प्लग्स भी होते हैं उसमें अर्थिंग का स्लॉट होता ही नहीं है, सीधे दो वायर्स लगा दिए अपन ने, तो वहां पे क्या होता है अगर अर्थिंग नहीं है तो बाय चांस अगर कुछ टच हो गया लाइव वायर तो हमें शॉक लग सकता है वहां। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? यस सर। देन इलेक्ट्रिक फ्यूज, फ्यूज के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी थोड़ा सा पढ़ा था, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो फ्यूज का काम यही होता है कि अचानक से वोल्टेज बढ़ जाए, अचानक से क्या हो गया कि वोल्टेज बढ़ गई, पावर सप्लाई तेज आ गई, तो फ्यूज क्या होता है खुद जल जाता है और डिवाइसेस को बचा लेता है, और आजकल उसकी जगह जो MC वगैरह है वो यूज होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स टू प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज ड्यू टू ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। इट इज वायर हैविंग हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इफ एक्सेस करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट द फ्यूज वायर मेल्ट्स। अगर बाई चांस कभी ज्यादा करंट आ गया तो फ्यूज वायर क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाएगा और गर्म होकर पिघल हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा तो करंट के पाथ को ब्रेक कर देगा। अब फ्यूज करना है उसको, करंट के पाथ को ब्रेक करना है, तो उसको कहां लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है, जैसे कि वो अगर जल गया तो भाई करंट उसने रोक दिया। तो फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट।
फ्यूज वायर इज मेड ऑफ अ मेटल और एन एलॉय ऑफ मेटल लाइक लेड टिन एल्यूमिनियम एंड कॉपर. ठीक है, तो ये मेटल का भी होता है या कुछ एलॉयज होते हैं उनका भी बनाया जा सकता है. फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर, तो लाइव वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, जो पावर सप्लाई के बेसिकली एब्रप्ट बिहेवियर को, एब्रप्ट चेंज को होने पर सर्किट को ब्रेक कर देता है और हमारी डिवाइसेस को सेफ रखता है डैमेज होने से. इट प्रिवेंट्स डैमेज टू द अप्लायंसेस एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कंटेक्ट. तो ओवरलोडिंग कब हो सकती है, कई बार लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जैसे इंसुलेशन हट गया उनका और डायरेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ गई, तो क्या हो गया, एक तरीके से वहां पे अचानक से हाई करंट फ्लो करने लगेगा क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो हाई है, रेजिस्टेंस कम हो गया तो हाई करंट फ्लो करने लगेगा, तो ओवर करंट आया तो फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और प्रिवेंट करेगा जिससे डिवाइस डैमेज ना हो. इन सच अ सिचुएशन द करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग. ये जो दो वायर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाता है तो इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट. जैसे कई बार तुम सुनते हो कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, वहां पे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो एक लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या हो गया, कॉन्टेक्ट में आ गए. कॉन्टेक्ट में आ गए तो वहां पे क्या होता है, स्पार्किंग भी होती है. अचानक से करंट बहुत हाई हुआ तो क्या होता है, वहां पे करंट बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस होती है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है और बाई चांस वो स्पार्क जो है वो क्या हो गया, किसी चीज से ऐसे क्लोथ वगैरह या किसी ऐसा चीज जो जल्दी से आग पकड़ लेता है वो हो वहां पर, तो आग पकड़ सकता है. ठीक है, कई बार जहां पे ज्यादा अमाउंट में बड़े बड़े मतलब ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है और ऐसा अगर कोई मैकेनिज्म नहीं है, फ्यूज टाइप का मैकेनिज्म नहीं है, अपने फ्यूज वायर भी ऐसा लगा दिया कि जो जल्दी से मेल्ट नहीं हो रहा है, तो वायर शॉर्ट होने के बाद भी हो सकता है वो कनेक्शन इतनी जल्दी ना ब्रेक हो, वहां पर शॉर्ट सर्किट का चिंगारी निकलती रहेंगी और वो आग पकड़ सकता है. तो ये शॉर्ट सर्किट होता है. शॉर्ट सर्किट का मतलब समझ आना चाहिए कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब अपने आपस में डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, जनरली क्या होता है वो डिवाइस के थ्रू आते हैं, डिवाइस का एक रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, कि उस डिवाइस में क्या है, करंट लाइव वायर आया, न्यूट्रल से करंट जा रहा है और डिवाइस में वो करंट हम यूज करते हैं, चाहे वो लाइट के लिए करें, फैन के लिए करें, इस तरीके से. लेकिन अगर वो दोनों वायर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए तो क्या होगा, बहुत हाई करंट फ्लो करेगा और वहां पर उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं. तो अगर फ्यूज होगा तो फ्यूज मेल्ट होके उसको अवॉइड कर सकता है और हमें बचा सकता है किसी भी डैमेज से. द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द अप्लायंस फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक. तो फ्यूज अचानक से जो बड़े हुए करंट है उसको रोक कर हमें बचा सकता है डैमेज से. The joule heating that takes place in the fuse melts it to break the electric circuit. तो fuse में जैसे अब पूरे circuit में current बढ़ा तो fuse में भी बढ़ा. अब joule heating क्या होता है, I square R वाली जो heating है, ये जो power होती है I square R, इसको joule heating बोलते हैं. तो current बढ़ा, resistance तो उतना ही है, तो क्या हो गया, वो wire melt कर जाएगा और इसको joule heating बोलते हैं. तो wire melt करके fuse जो है वो melt कर गया, तो connection lose हो गया और devices जो है safe रहेंगे. Overloading can also occur due to an accidental hike in the supply voltage. कई बार जो पावर स्टेशन है वहां से भी हाई सप्लाई की वोल्टेज आ जाती है. कई बार तुम देखा होगा कि हाई सप्लाई की वोल्टेज आती है, डिवाइसेस खराब हो जाती है, इसलिए स्टेबलाइजर लगाए जाते हैं. यहाँ पे वोल्टेज का बहुत फ्लक्चुएशन होता है, तो कई बार हमारी पावर सप्लाई में भी कमी होती है, इसमें पावर क्या करती रहती है, वोल्टेज फ्लक्चुएट करती रहती है, तो वहां पर स्टेबलाइजर्स लगाए जाते हैं जिससे कि वो क्या कर सके, हमारी डिवाइस को बचा सके. और अगर वैसा नहीं है तो डिवाइसेस खराब हो सकते हैं. जैसे आजकल बहुत कम हो गया पावर का ऐसा फ्लक्चुएशन होना, पहले थोड़ा सा होता था कि पावर काफी फ्लक्चुएट करती थी, तो डिवाइसेस उस फ्लक्चुएशन से भी खराब हो जाती थी. और स्टेबलाइजर्स ज्यादातर लगाए जाते थे जब भी महंगी आइटम होती थी, टीवी एसी इनके लिए. अभी आजकल वो चीजें कम हो गई हैं, तो देखोगे आजकल स्टेबलाइजर कम लगाए जाते हैं. तो हो सकता है आप लोगों ने देखे न भी हों, और हो सकता है देखे हों, तो ठीक है, अच्छी बात है. बाकी एक्सीडेंटल अगर वोल्टेज चेंज हुई तो वो भी क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है, तो फ्यूज उसको भी प्रिवेंट कर सकता है. समटाइम्स ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट. तो कई बार हम बहुत सारे अप्लायंसेस भी अगर सिंगल सॉकेट में लगा देंगे तो क्या हो जाता है, तो भी ओवरलोडिंग हो जाती है. एक्चुअली क्या होता है, देखो पैरेलल में जितने ज्यादा हम रेजिस्टर लगाते जाएंगे रेजिस्टेंस उतना कम होता जाता है. ठीक है, तो हमने एक सिंगल सॉकेट में बहुत सारी डिवाइसेस लगा दी तो भी क्या हो सकता है कि करंट अचानक से एब्रप्टली बढ़ सकता है फ्यूज में और वो जो है फ्यूज हो सकता है, मतलब फ्यूज वायर मेल्ट हो सकता है और सर्किट ब्रेक हो सकता है.
ये कुछ चीजें हमें इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पता होनी चाहिए। चलो अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। जल्दी से बताओ क्या सेफ्टी मेजर्स की अभी हमने चर्चा की, क्या दो सेफ्टी मेजर्स की हम बात कर सकते हैं? जल्दी दो सेफ्टी मेजर्स क्या क्या यूज करते हैं हम घरों में? एक तो करंट से बचने के लिए और एक पावर के चेंज होने से बचने के लिए। चलो हिंट भी दे दिया मैंने। इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड अर्थ वायर। एक तो अर्थिंग यूज करते हैं करंट से झटके से बचने के लिए, और एक फ्यूज का यूज करते हैं अप्लायंसेस को डैमेज होने से रोकने के लिए। तो टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस आर एज़ फॉलोस। ईच सर्किट मस्ट बी कनेक्टेड विद एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। दिस प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट थ्रू द सर्किट। व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द वायर एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द फ्यूज एलिमेंट, द फ्यूज मेल्ट्स टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट, hence protecting the appliances connected to this circuit. And second, earthing is a must to prevent electric shocks. Any leakage of current in an electric appliance is transferred to the ground, and people using the appliance do not get the shock. Then, this is a question. अब numerical कैसे आ सकता है इससे? तो an electric oven of 2 kilowatt power rating is operated in a domestic electrical circuit 220 volt that has a current of rating 5 ampere. What result do you expect? Explain. तो हमने एक इलेक्ट्रिक ओवन को यूज किया, 220 वोल्ट आ रहा है, 5 एम्पियर वाली रेटिंग वाले स्विच में यूज किया। इसको मैं समझा देता हूँ कैसे करना होता है, जैसे आप लोग कर लोगे लेकिन फिर भी देखो। करंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक ओवन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्सप्रेशन। करंट हम पावर जानते हैं, वी इंटू आई होता है, तो करंट को लिख सकते हैं पी बाय वी। करंट आई जो है करंट है ना। पावर कितनी दे रखी है 2 किलोवाट यानी कि 2000 वाट। वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। तो करंट हम निकालेंगे 2000 बाय 220, 9.09 एम्पीयर। इतना करंट जो है हमें चाहिए अवन से पास करने के लिए, ठीक है? तो अगर इतनी पावर लगाई तो इतना करंट वो ड्रॉ कर लेगा। अब जो हमारा स्विच है उसकी रेटिंग अगर 5 एम्पीयर है तो स्विच तो उससे ज्यादा अगर करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, एक तरीके से वो मेल्ट कर जाएगा, फ्यूज को मेल्ट करवा देगा। Hence the current drawn by an electric oven is 9.09 ampere, which exceeds the safe limit of the circuit. क्योंकि हम किस में यूज कर रहे हैं, 5 ampere वाले सर्किट में यूज कर रहे हैं। So अब 5 ampere वाले सर्किट में यूज कर रहे हैं तो उसका जो फ्यूज होता है उस फ्यूज की रेटिंग 5 से थोड़ी सी ज्यादा रखते हैं, जैसे 5.5 तक रखी कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो झेल ले, बहुत ज्यादा नहीं। अब 9 ampere अगर करंट फ्लो कराएगा तो क्या कर जाएगा, फ्यूज मेल्ट कर जाएगा। तो फ्यूज एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक फ्यूज विल मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। तो इस तरह से अगर हम इस अवन को 5 एम्पियर वाले स्विच में लगा देंगे तो क्या होगा, फ्यूज मेल्ट कर जाएगा। तो इसीलिए उसके लिए फिर पावर स्विचेस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स कई बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है? देन व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो ओवरलोडिंग को अवॉइड करने के लिए क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया वही सब है। तो प्रिकॉशंस जो हम ले सकते हैं, टू मैनी अप्लायंसेज शुड नॉट बी कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट, टू मैनी अप्लायंसेज शुड नॉट बी यूज्ड एट द सेम टाइम, फॉल्टी अप्लायंसेज शुड नॉट बी कनेक्टेड इन द सर्किट, फ्यूज शुड बी कनेक्टेड इन द सर्किट। ये कुछ कॉमन प्रिकॉशंस है जो हम ले सकते हैं, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें जो भी चीजें थी हमारे काम की वो सब हमने कंप्लीट कर ली, पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर दिया है। अब आप लोग एनसीईआरटी बुक पे एक बार पढ़ें, वैसे इन टेक्स्ट जो भी क्वेश्चन हमने ले लिए हैं क्लास में, लेकिन खुद से एक बार उनको देखें, समझें और खुद से सोचें कि मतलब और समझना है कि आंसर कैसे लिखना है, रटने की बजाय कॉन्सेप्ट तो समझना है, हाउ वी हैव टू राइट इन आंसर इन अवर ओन लैंग्वेज। और फिर उसका जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप खुद से एक बार ट्राई करें, ठीक है? Yes, sir. तो अपना कोर्स मतलब कंप्लीट हो गया, तो टर्म टू का भी अब उसका अच्छे से रिवीजन करो और स्कूल एग्जाम में अपना बेस्ट करके आना है।